तीन घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, 72 सीटों में आज देश भर में मतदान हो रहा है। बिहार की तस्वीर आपको दिखाता हूं, सुबह तो ठंड थी इसलिए लंबी लंबी लाइनें आपने देखी है, लेकिन तीन घंटे बाद तस्वीरें कुछ बदलती नजर आ रही है। जो लंबी लाइनें थी वो अब कुछ थोड़ी छोटी होती नजर आ रही है। ये एक मतदान केंद्र है, इस वक्त में बरौनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये मतदान केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। युवा थोड़ा इधर से आ रहे हैं लेकिन बुजुर्गों की लाइन अच्छी खासी है। सवाल है कि युवा कहां चले गए, युवा दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, कहां युवा हैं, सवाल यह भी उठ रहा है। और लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे धूप आ रही है वैसे वैसे थोड़े लोग कम होते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार, युवाओं का देश है लेकिन संख्या इतनी कम क्यों? आपके साथी और कहां गए? युवा अभी घूम रहा है। घूम रहा है जी? घूमना कब बंद होगा? आज के दिन तो 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद जी। अभी बुजुर्गों के लिए छोड़ दिया है। अभी बुजुर्गों के लिए छोड़ दिया है, तो वाकई ये भी बात है कि बुजुर्गों के लिए छोड़ दिया गया है, लोग अपना मतदान यहाँ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बूथ की अगर बात की जाए तो लगभग 17% मतदान यहाँ पर हो चुका है। लोग सुबह सुबह तो भीड़ थी, अब कुछ कमी है? कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है? नहीं। किन मुद्दों के साथ आज आए हैं? विकास के मुद्दों के साथ। विकास के मुद्दों के साथ आए हैं, विकास के मुद्दे के साथ अपना वोट करने आए हैं। अपनी अपनी मतदाता पर्ची लोगों के हाथों में है, उत्साह जबरदस्त है क्योंकि सूरज की किरणें भी जबरदस्त तरीके से आ रही हैं। उस गर्मी के एहसास में भी लोग जुटे हुए हैं, बुजुर्ग जुटे हुए हैं और अब युवाओं ने भी निकलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अब वक्त बढ़ेगा हो सकता है और ज्यादा लोग आए निकल लें, हालांकि गर्मी अब हो चुकी है। अपने सहयोगी राष्ट्रीय लक के साथ नवीन चौहान।